नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ PTT काउंसलिंग के बारे में। आपको बताने वाला हूँ कि आपकी जो फर्स्ट काउंसलिंग की डेट है वो कितनी तारीख यहाँ पे बढ़ा दी गई है दोस्तों। इसके बाद आपको जो फर्स्ट जो काउंसलिंग के लिए आपको कॉलेज फीस है वो कब तक जमा कर सकते हैं, अपवर्ड मूवमेंट का जो रिजल्ट है उसके बाद कब आएगा, जैसे अब अपवर्ड मूवमेंट कराए थे उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट कब होगी। इसी के साथ मैं बात करने वाला हूँ सेकंड काउंसलिंग के बारे में। जिन स्टूडेंट का जो फर्स्ट काउंसलिंग का नंबर नहीं आया है तो वो सेकंड काउंसलिंग कब से कराएं, कब से उनकी जो सेकंड काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके बहुत ही ज़्यादा कम नंबर है या कम नंबर आपके बढ़ रहे हैं तो आपको कॉलेज कैसे बननी है उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। चैनल पर आपको PTT BEd 2 ईयर कोर्स के बारे में पल पल की अपडेट चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ले चलता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आ चुका हूँ। PTT की 2 ईयर कोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर दोस्तों मैं आ चुका हूँ। तो आपकी जो कॉलेज, आपको दोस्तों कॉलेज की जानकारी वो 2 दिसंबर को आपको दे दी गई थी दोस्तों। उसके बाद आपको 22,000 रुपये जमा करनी थी दोस्तों। उसकी जो डेट थी दोस्तों वो 7 तारीख थी, लेकिन उसे बढ़ा दिया गया, उसे अब 10 तारीख कर दिया गया। जैसे कि कल कल आपकी लास्ट डेट है दोस्तों। अगर आपने अभी तक 22,000 रुपये जमा नहीं किए तो आप कर दें दोस्तों। उसके बाद आपको जो आवंटित महाविद्यालय कॉलेज मिलेगी उसमें आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। ऑनलाइन रिपोर्टिंग रहने वाली दोस्तों, आप ईमित्र के द्वारा ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट है आपको उसमें जमा करने होंगे। इसके बाद आपको अपवर्ड मूवमेंट की जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 12 तारीख रहने वाली है। इसके बाद अपवर्ड मूवमेंट के बाद आपको जो कॉलेज अलॉट हो जाएंगे दोस्तों उसकी जानकारी आपको 14 तारीख को मिल जाएगी दोस्तों। इसके बाद आपकी अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात आपको जो कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी वो आपकी लास्ट डेट 18 तारीख तक आपको करनी होगी। तो इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ सेकेंड लिस्ट की, तो सेकेंड लिस्ट आपकी 18 तारीख के बाद आपकी जो सेकंड काउंसलिंग है वो कराई जाएगी। उसके बाद आपकी जो सेकंड लिस्ट है वो निकलेगी दोस्तों। तो जिन फर्स्ट काउंसलिंग में नंबर नहीं आए दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि उनके सेकंड काउंसलिंग में नंबर आ जाएंगे दोस्तों। अभी जो फर्स्ट काउंसलिंग की वेटिंग लिस्ट भी निकलेगी दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एडमिशन नहीं लेंगे तो सीटें खाली रह जाती हैं, तो उसकी वजह से उनकी वेटिंग लिस्ट है वो निकाली जाती है। वेटिंग लिस्ट उन्हीं की निकाली जाती है जिनका फर्स्ट काउंसलिंग में नंबर नहीं आया है। तो ये आपका रहने वाला है दोस्तों। तो सेकंड काउंसलिंग आपकी 18 तारीख के बाद कराई जाएगी। तो जिन जिन स्टूडेंट के फर्स्ट काउंसलिंग में नंबर नहीं आया है तो उनका जो सेकंड काउंसलिंग में नंबर आने के पूरे चांस हैं दोस्तों, क्योंकि सीटें इस बार बढ़ा दी गई हैं, कॉलेज भी आपकी इस बार बढ़ाई गई हैं। अब मैं बता देता हूँ आपके दोस्तों, अगर आपके कम नंबर हैं तो आपको काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे भाग लेनी है। तो जैसे ही आप सेकेंड काउंसलिंग कराने जाओ दोस्तों, तो उस समय आपको पहला काम तो ये करना कि आपको ऑल राजस्थान पर कर देना है। वहाँ पर जो ऑल राजस्थान का ऑप्शन आएगा उस पर आपको कर देना है। इसके बाद आपको दोस्तों, आपको जो अपने नज़दीकी जो ज़िले हैं दोस्तों, जो आपके ज़िले से पास में लगते हैं उन ज़िलों को वहाँ पर भर देना है दोस्तों। इसके बाद आपको जो कॉलेज हैं दोस्तों, अपने डिस्ट्रिक्ट की सभी कॉलेज भर देनी है। और फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपको वो कॉलेज भरनी है जिनमें कि बहुत कम स्टूडेंट एडमिशन लेते हों, क्योंकि जो आपकी कट ऑफ निकलती है दोस्तों वो आपकी कॉलेज के आधार पर निकलती है। अगर आपकी कॉलेज में सीटें खाली रह जाती हैं तो वहाँ की कट ऑफ बहुत ही कम चली जाती है, 250 तक नंबर तक भी कॉलेज है वो मिल जाती है। तो ये आपका रहने वाला है दोस्तों। तो आप ऐसी कॉलेज चॉइस करें, अगर आपको PTT में इस बार नंबर लाना है, तो अगर आपके कम नंबर हैं तो आपको ऐसी कॉलेज बननी है जहाँ पर बहुत कम स्टूडेंट एडमिशन लेते हों, ये आपका रहने वाला है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, जैसे ही आपकी जो सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सेकंड जो काउंसलिंग के बाद जो कॉलेज की जानकारी आपको कब मिलेगी उसके बारे में भी अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। PTT की पल पल की अपडेट आपको उस चैनल पर मिलती रहती है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।